हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दक्षिणा दक्षिणा की क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस नए चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग एक सबसे पहले एक शानदार सा एक ना बड़ा ही सुंदर एक ऐसा कोई हम जानवर पढ़ने वाले जो बेसिकली आर्थ्रोपोडा का पार्ट है। किसका पार्ट है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सी क्लास? क्लास इंसेक्ट। हम आज बात करने वाले इस शानदार से जानवर की जिसको हम कहते हैं कॉकरोच। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम में से कॉकरोच से डरता कौन कौन है? तो बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे कि सर अपन को डर लगता है, लेकिन सही बात बोलूं तुम्हें, तुम्हें कॉकरोच से डर नहीं लगता, तुम्हें घिन मचती है। कॉकरोच ना बेहद गंदा होता है और इतना गंदा होता है कि ये फोटो देखने में कुछ लग रहा है। ये लड़की कितने प्यार से इसने कॉकरोच को पकड़ा है, यहाँ देखो भाई कितने ध्यान से इन्होंने कॉकरोच को हाथ पे उठा रखा है। तुम्हें देखने में ये इंडियन कॉकरोच से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हमारे यहाँ तो जो कॉकरोच मिलता है वो थोड़ा अजीब होता है, ये तो थोड़ा अलग सा दिख रहा है। ये वाला तो ऐसा है कि जैसे बिल्कुल अलग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे इसने हाथ जोड़ रखे कि बहन मेरे को मत खा, मत खा, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ ऐसी वाली फील आ रही। बेटा ये पढ़ने वाले आज, ये कॉकरोच है एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट के लिए तो है रेलिवेंट, और इसमें से क्वेश्चंस बच्चे काफ़ी आते हैं और क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके से आते हैं कि फंडामेंटल कंसेप्ट समझ के याद करने के बाद आप इस एरिया से आने वाले हर क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बेटा वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। कौन सा चैप्टर है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस एनिमल्स के अंदर हम एनिमल टिश्यूज, जो चार टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ये चार टिश्यूज पढ़ेंगे, जिसमें से बेटा नर्वस टिश्यू आप ऑलरेडी नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हो, मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हो, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपने बोन भी पढ़ लिया है, और आपने क्या पढ़ लिया है, बोन के साथ साथ आपने ब्लड भी पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्टिलेज पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हम कार्टिलेज में एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे, हम एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे, ये हम पार्ट्स पढ़ेंगे। फिर हम एपिथेलियल टिश्यू की सब डिटेल्स देखेंगे, यानी सबसे डिटेल्स में हम ये एपिथेलियल टिश्यू करेंगे जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, समझ गए? ओके, हम एनिमल टिश्यूज को फिनिश कर देंगे। और ये टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स कैसे क्रिएट करते थे ये भी हमें समझ आता है कि मस्कुलर टिश्यू से मस्कुलर सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है, सारी डिटेल्स यानी ये दोनों पोर्शन हमारे हो जाएंगे। अर्थवर्म अब एनटीए के सिलेबस में नहीं है, फ्रॉग सिलेबस का पार्ट नहीं। अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि भैया नीट में नहीं आता, एम्स में आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि एक ही पेपर है। अब तो हम इस जिस पॉइंट पे फोकस करेंगे वो कॉकरोच है। बेटा ये दोनों जो हैं पोर्शंस, ये तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, सबसे पहले हम कॉकरोच को पिक करेंगे और कॉकरोच की सारी स्टडी कर डालेंगे। एक सिंपल पोर्शन है, एक आसान पोर्शन है और एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है। ये बात मेरी बात जान के रखना है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोर्शन। इस पोर्शन की एनसीईआरटी का जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो एनसीईआरटी जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वाला पार्ट हम एनसीईआरटी अर्थवर्म को देखो सारा इग्नोर कर देना, एक कॉकरोच की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और इसको ईजी समझने के लिए, एनसीईआरटी को ईजी करने के लिए बेटा मैंने ये आपके लिए प्रॉपर कॉकरोच के नोट्स बना रखे हैं, बेहद सिंपल आसान एंड क्रिस्प नोट्स। मतलब मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी फिनिश करेंगे कॉकरोच की और उसके बाद आप नोट्स को चेक कीजिएगा। वंस यू हैव फिनिश्ड योर एनसीईआरटी ना, तो आपको इवन नीट में जाने तक भी आपको कभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा कॉकरोच के लिए ये वाले नोट्स पढ़िए। जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा यहाँ पे सब है, दैट मीन्स इस नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया तो कॉकरोच में इस नोट्स के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक्स्ट्रा कुछ बताया नहीं है, जो है एनसीईआरटी का है वो आपको 100% तरीके से आना चाहिए। बात क्लियर हो गई? डन। तो ये तो आपने दर्शन कर लिए कॉकरोच महाराज के, तो बढ़िया सा सुंदर सा है। तो ये है क्या, क्यों कॉकरोच हमारे आसपास मिलता है, और अगर पूछा जाए कि क्या कॉकरोच अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल एक स्पीशीज है, तो मैं कहूँगा 100% यस भाई, इतनी सक्सेसफुल है कि पूरी पूरी अर्थ में मिलता है। अगर आप इस कॉकरोच का साइंटिफिक नेम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम पता क्या, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, पूरे के पूरे पेरी प्लानिटा। आइडिया पता क्या लग रहा था कि पूरे के पूरे प्लानिट में मिलता है, पूरे प्लानिट में हर जगह आप देख लो आपको कॉकरोच ही कॉकरोच इतने मिलते हैं। ये चाइना वाले लोग मालूम क्या करते हैं, ये चाइना वाले लोग ना क्या करते हैं, जितना गंदगी वगैरह होती है ना, जैसे खाना बच गया कुछ बच गया, उस गंदगी को एक मशीन में डालते हैं, क्रश कर देते हैं, और क्रश करने के बाद ना इनके पास बड़े बड़े कमरे होते हैं,
और बड़े बड़े कमरों में ये गंदगी होती है ना, जो ऑर्गेनिक सामान है जो हम नहीं खा सकते लेकिन कॉकरोच खा सकते हैं, उन सामान को ना ये ना एक ना ऐसी एक अलमारी बनाते हैं, अलमारी में ऐसी प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के ऊपर ना ये सामान इस तरीके से रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ये रख देते हैं, इस तरीके से भर देते हैं और ये 10-10, 20-20 फुट की इतनी इतनी ऊंची होती है। अब क्या करते हैं ये कॉकरोचेस को ना इस कमरे में छोड़ देते हैं और कॉकरोच क्या करता है इस खाने को खाता है और रिप्रोडक्शन करता है, तो कुछ टाइम में आपके पास बहुत सारे इतने सारे कॉकरोच हो जाते हैं और कॉकरोच को खूब सारा खाना मिल रहा है, बढ़िया जगह मिल रही है और कॉकरोच को मस्त तो काम चल रहा है, तो कॉकरोच खूब रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये वाली अलमारी में समझ लो एक इस तरीके से प्लेट है और जिस प्लेट में इस तरीके से पूरा का पूरा खाना रखा हुआ है, राइट। तो इस खाने में खूब सारे कॉकरोच हैं। अभी चाइनीज लोग पता क्या करते हैं, इस प्लेट को निकालते हैं, सारे कॉकरोच को झाड़ते हैं और झाड़ के डाल देते हैं ना उबलते हुए तेल में, तेल में कॉकरोच फ्राई होते हैं और भाई साहब चटनी लगा के खा जाते हैं। तुम समझ रहे हो कॉकरोच को ऐसे एज अ प्रोटीन सोर्स भी यूज़ किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। लोग जानबूझ के अब एनिमल इंसेक्ट्स का बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज इंसेक्ट्स आर एन अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो कॉकरोच खाए भी जाते हैं। लेकिन कॉकरोच ने यार हमारे इंडियंस के लिए, तो हम सिंपल सी बात कहूँगा, नॉट जस्ट इंडियंस, पूरी दुनिया के लिए एक सीरियस पेस्ट है। नाक में धुआं मचा रखा है भाई, इतना गंदगी मचाता है, इतनी बदबू मचाता है और सबसे बड़ी बात ये नुकसान क्या करता है आपके पास बहुत सारी डिसीज करता है। कैसे? डिसीज के लिए वेक्टर्स हैं कॉकरोच। अब देखो तुम्हारे घर में कहाँ रहते हैं, आइडिया लगाओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ रहते हैं, तो ये कहोगे ना कि सर कॉकरोच नाली में से निकलते हैं, गटर में से निकलते हैं। तो जब ये नाली और गटर में से निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे चल रहे होंगे बेटा। अब जमीन पे रोटी गिर जाती है उठा के खाते हो? नहीं। बट कॉकरोच देखो वहीं से जमीन से उठ के आ रहा है, फिर नाली गटर में से निकल के आ रहा है। तो कॉकरोच के पैरों पे ना बहुत सारे ये बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज वगैरह कॉज कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स कॉकरोच के पैरों पे लगे होते हैं, नंगे पैर चलोगे तो पैर गंदे होंगे, तो कॉकरोच कौन सा शूज पहनता है? तो कॉकरोच भी चलते चलते आएगा, खाने के ऊपर बैठेगा, आपकी थाली के ऊपर बैठेगा। रात को आपने बर्तन वगैरह धो के सो गए, तुम्हें क्या पता अंधेरे में कॉकरोच आके आपके पूरे बर्तनों में घूम रहे, सुबह थोड़ा दिखता है कि बर्तन में कोई बैक्टीरिया बैठा है, आंखों से हमें बैक्टीरिया थोड़ी दिखाई देता। तो कॉकरोच ने आके बर्तन आपके गंदे कर दिए रात भर। अब सुबह सुबह आइए आप लोग, बर्तन ऐसे उठाइए बिना साफ किए, खाना खा लीजिए, हो गया ना नुकसान। बीमारियां ऐसी लगती हैं बेटा। तो अब ये कॉकरोच हमें नुकसान बड़ा करते हैं। तो है कॉकरोच का ना बहुत ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, नाम यहां बोल रहा हूं बेटा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अक्सर ये ना वर्ड पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज से फायदा हो तो हम उसके लिए वर्ड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तब भी बोला जा सकता है जब किसी से लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों केसेस पे आप वर्ड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं। कॉकरोचेस से हमें बहुत लॉस होता है और चाइना वाले लोगों को बहुत फायदा होता है, खाने को मिल जाता है भाई। मुद्दे की बात क्लियर हो गई, आओ कॉकरोच की रीडिंग शुरू करते। ब्लैक और ब्राउन बॉडीज, ब्राउन और ब्लैक बॉडीज जो क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कलर के नाम पे देखो ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन, अलग अलग कलर्स हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स वो है जहाँ पे आपके पास हीट होती है, मतलब जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। एग्जाम्पल इंडिया, एग्जाम्पल अफ्रीका, या अर्थ में जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरियाज, वो वाले एरियाज। साइज छोटे से लेकर बड़ा साइज, यानी अलग अलग जगह में अर्थ में इनके अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। इनके पास लंबे लंबे एंटीना होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं और अपर बॉडी का आपके पास एक एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी। ये जो अपर बॉडी है ना, इसका ना ये ना एक, अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे रियलाइजेशन होगी कि कॉकरोच में ये प्रोटोनोटम लिखा है ना, इसकी बात हो रही। ये इस तरीके से एक एक्सटेंशन है और एक्चुअली इसका हेड इस तरीके से, यानी ये एरिया देखो ऐसा लग रहा है ना, ये एरिया जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, दिस एरिया ऑफ द हेड इज टेक्निकली हिडन बाय दिस एक्सटेंशन, राइट। ये वाली बात करी गई है, बॉडी यहाँ पे इसकी पूरे कॉकरोच की इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी है, यानी ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसके नीचे यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी है, लेकिन ये वाला हिस्सा आधे हेड को इस तरीके से ढक लेता है। बात क्लियर हुई बेटा? क्या लिखा इसने, कहता है द फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल कंसील, छुपा देती है सर को। दे आर नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल अभी इन वर्ड्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, लिख लेना मैं अंडरलाइन करके डेफिनेशन बोल दूंगा, लिखेंगे आप। नॉक्टर्नल है यानी रात को मिलते। ओमनिवोरस यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना खा सकते हैं। ओमनिवोरस समझ लेना, नॉक्टर्नल दोबारा बता दूं, विच आर एक्टिव इन नाइट उसको नॉक्टर्नल कहते हैं,
दिन में एक्टिव होते हैं उसको डायर्नल कहते हैं। ठीक, डैम्प प्लेसेस वैसी जगह रहते हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला रहता है, जैसे गटर, जैसे नाली, जहाँ पे नमी रहती है। दे हैव बिकम रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स, घरों में मिल जाते हैं और बहुत ही नुकसानदायक कीड़े, सीरियस पेस्ट और वैक्टर्स बहुत सारी डिसीज भी फैलाते हैं। कॉकरोच में हमने पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप टॉपिक्स देखो। जब भी कोई बेटा नई चीज़ शुरू करते हो ना आप, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, यानी कॉकरोच का आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, एनाटॉमी, कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी के बाद आपको बस मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तो हम कॉकरोच की टॉपिक्स में मॉर्फो पढ़नी है और एनाटॉमी पढ़नी है, बॉडी का एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब मैं एनाटॉमी पढ़ूंगा तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से याद लगाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी फिजियोलॉजी वाले लगाओ, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, सेंसरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, सारे क्लियर हो गए ना। बस ये हमें टॉपिक्स कॉकरोच में कंप्लीट करने, यानी जैसे हमने पूरे एनिमल किंगडम में पढ़ा था, याद करो ना, आपको एनिमल किंगडम में पैटर्न पढ़ाया था कि जो फिजियोलॉजी में हम ये सारे फीचर्स पढ़ते हैं, बस यही वाले फीचर्स हमें कॉकरोच के लिए पढ़ने, देखना है बाहर से कैसे दिखता है और इंटरनल बॉडी उसकी किस तरीके से। इतना आपका होगा, कॉकरोच हो जाएगा खत्म। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी के साथ। बेटा मॉर्फोलॉजी जब कॉकरोच की मैं पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें नोट्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि नोट्स पढ़ने के बाद ना मॉर्फोलॉजी क्लियर होगी और फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और क्लैरिटी हमें अच्छे से आ जाएगी, ये जरूरी। तो आओ नोट्स में। नोट्स, पहली बात, हमने इंडिया में कॉकरोच बड़े ब्राउनिश से कलर का देखा है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो बहुत ही कलरफुल वेराइटीज में मिलता है, येलो, ऑरेंज, अलग अलग कलर्स में। ऑरेंज कलर का, येलो कलर का कॉकरोच हो सकते हो, वाइट कलर का भी कॉकरोच होता है। और तुम्हें पता है कुछ लोग कॉकरोच में ऐसे पेट भी पालते हैं, लोग बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ओके, साइज, इसकी वैल्यूज दे रखी है बेटा, ये एनसीईआरटी से रेलिवेंट वैल्यूज हैं, एनसीईआरटी में भी ये वैल्यूज दे रखी। सीरियस पेस्ट, नुकसानदायक जानवर, वेक्टर, बड़ी सारी डिसीज फैलाते हैं। डिसीज जो खाना और पानी से फैलती है ना बेटा, उनको फूड बोर्न डिसीज कहते हैं, फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज, यहाँ पे BORNE, यानी उसके वजह से, मैं ऐसा कहूँगा। तो फूड और वाटर की वजह से जो डिसीज फैलती हैं, जो गंदा खाना और गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, वो उनको फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज कहते हैं। बेसिकली कॉकरोच वो काम करता है, और वेक्टर है यानी वेक्टर है यानी फैलाने में मदद करता है। बात क्लियर हो रही है? ओके, स्ट्रक्चर, यानी अब अपने को क्या देखनी है, मॉर्फोलॉजी, बड़े ध्यान से देखना, बड़ी सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई। कॉकरोच को अगर आप करते हैं बेटा ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व करने में कुछ पॉइंट्स पता लगे। क्या? आपने कॉकरोच के शरीर को देखा, मॉर्फोलॉजी देखा, बॉडी को डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ध्यान से देखते रहिएगा। आपने कॉकरोच के शरीर को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इतना क्लियर हो गया। सर अलग, बॉडी का बीच वाला थोरैक्स अलग, एब्डोमेन अलग। तो हेड कैसे दिखते हैं, ये हमारी बात है जरूरी, थोरैक्स में क्या है, एब्डोमेन के क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास कहां पर आएंगी, मॉर्फोलॉजी में, यहां एब्डोमिनल अपेंडिजेस तक। यानी इतनी बातें, हमने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, बट इतनी बातें हम लोग यहाँ पे कॉकरोच में मॉर्फोलॉजी में करें, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, करें शुरू। अब बोलो कॉकरोच की बॉडी में कितने पोर्शंस, आप कहेंगे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीन अलग अलग आपके पास पोर्शंस मिलते हैं। हेड को ऑब्जर्व किया, अब हेड जब कॉकरोच का देखते हो तो आपको मालूम लगता है कि बॉडी हेड को थोड़ा सा ढक के रखती है, ये हमने एनसीईआरटी में लाइन समझी थी, पहली बात। दूसरी बात, हेड जो बॉडी का हिस्सा है ना बेटा, वो छह अलग अलग सेगमेंट के फ्यूज होने से बने। जैसे बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं ना, कॉकरोच की बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन अब छह अलग अलग सेगमेंट्स थे जो आपस में आके जुड़ गए, और उनके जुड़ने की वजह से क्या बन गया, हेड बन गया। इट इज मेड अप ऑफ 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स, बात क्लियर हुई? ओके, आप हेड की पोजीशन देखो, इट इज प्लेस्ड 90 डिग्री टू द बॉडी। आप बॉडी को इस तरीके से देखेंगे, बॉडी से इस तरीके से, यानी अगर बॉडी का एक्सिस ये है तो हेड का एक्सिस ये है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, डन। ओके,
अगर आप सोचो किसी दिन अगर हेड कट कर दो एक कॉकरोच का, एक कॉकरोच लो सर काट दो या सर तोड़ के फेंक दो, आपका सर काट के फेंक दो मर जाओगे ना, कॉकरोच के साथ नहीं होता। कॉकरोच का अगर आपने सर काट दिया उसके बावजूद भी एक हफ्ते तक कॉकरोच सर्वाइव कर पाएगा, इसका कारण क्या है बेटा? अगर हम लोग ह्यूमंस का अगर गला काट देते हैं, सर काट देते हैं, तो ह्यूमंस इंस्टेंटली मर जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। हमारा मेन कंट्रोलिंग सेंटर हमारा ब्रेन है, ये बात हम मानते हैं, इजंट इट? हमारा मेन कंट्रोलिंग सेंटर इज अ ब्रेन। जब आप कॉकरोच की बात करते हो, कॉकरोच में जो ये ब्रेन है ना, ये हेड वाला रीजन है, समझ लो इतना हेड वाला रीजन है, उसमें जो ब्रेन वाला पोर्शन है वो बहुत कम है। मतलब ब्रेन टेक्निकली कॉकरोच का शरीर में मिलता है, यानी जो नर्वस टिश्यू का प्रीडोमिनेंट अरेंजमेंट है वो शरीर में, हेड वाले रीजन के अंदर बहुत कम। दूसरा, अगर मैं आपके गले से यानी हेड वाला रीजन देखता हूँ तो आपको माउथ भी दिखता है, जहाँ से खाना खाते हो, तो कॉकरोच के पास भी माउथ सिस्टम है। तो हम कहते हैं कॉकरोच को अगर आपने गला काट दिया हेड पोर्शन हटा दिया, तो खाना नहीं खा पाएगा। तो उसके शरीर में इतना फूड स्टोर्ड है कि वो एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसके पास फूड रिजर्व होते हैं और उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रेडोमिनेंटली बॉडी में मिलता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, माउथ पार्ट्स, हेड के माउथ पार्ट्स, इनको हम कहते हैं हाइपोग्नैथस। बेटा गनैथा याद करो, आपको मैंने एक वर्ड बनाया था गनैथा, और गनैथा का मतलब क्या होता है? गनैथोस्टोमेटा, कुछ याद है आपको? गनैथा का मतलब होता है जॉ। ये जो जबड़ा हम अर्थवर्म, इसका अर्थवर्म नहीं कॉकरोच का मानते हैं, उस जबड़े से नीचे वाला हिस्सा, अगर आप यहाँ पे सोचो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर कॉकरोच, तो आपके जबड़े से यहाँ पे इधर जहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ हवा में, यहाँ पे माउथ पार्ट्स मिलेंगे, आगे मिलने की जगह नीचे की तरफ को मिलेंगे, ठीक है? यानी अगर आप कॉकरोच को देखो ये जबड़ा है, तो माउथ पार्ट्स आपको ये लटके हुए इस तरीके से मिलेंगे, आइडिया लग गया? इसलिए इसके माउथ पार्ट्स को आप हाइपोग्नैथस बोलते हैं। ओके, अब जॉस की बात करी जाती है, तो बेटा इसके पास दो जॉ होते हैं जिनको मैंडिबल्स कहते हैं, यहाँ पे इंटू टू मतलब दो हैं, जॉ मैंडिबल, और इसका काम क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग, काटने का काम है आ रहा हुआ खाना। मैक्सिला, अब हमारे पास तो हाथ है, कॉकरोच ने यहाँ पर हाथ जोड़ रखे ना, ये बेसिकली बेटा दिस इज मैक्सिला, यहाँ पे एक्चुअली ये तो हाथ लग रहे हैं कॉकरोच के, बट यहाँ पे पीछे एक पोर्शन है, अगर आपको थोड़ा सा यार यार दिख जाए तो मजा आ जाए, ये वाली चीज है, इसको हम कहते हैं ये वाला चीज मैक्सिला। मैक्सिला की मदद से खाने को पकड़ के रखता है कॉकरोच, समझिए मैक्सिला की मदद से। लैब्रम, अपर लिप ऊपर वाला होंठ, लेबियम नीचे वाला होंठ, दो ही तो होंठ होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और इन सब के बीच में टंग। तो अब अगर ऑब्जर्व करो, खाना काटना, हम दांत से खाना काटते हैं, इसके पास दांत नहीं होते, जो भी इसके पास खाना है उसको कट 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 छोटे हिस्सों में काटना, अपने जॉज की मदद से काटते हैं। ओके, आप मैक्सिला को देखें और जब लेबियम को देखें, थोड़ा सा फोकस करना बेटा, इन नोट्स को बहुत ध्यान से बनाया गया। मैक्सिला को और लेबियम को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो मैक्सिला और जो लेबियम होता है ना बेटा, ये दोनों चीज में क्या अरेंजमेंट होती है? मैक्सिला और लेबियम में सेंसरी पल्प्स होते हैं, मतलब ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खाना जो खाए जा रहा है उस खाने की केमिकल क्वालिटी को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डन हुआ? ओके, मुंह का पार्ट देख लिया, अब आपकी आंखों में, आपके पास सर के पर हेड वाले पोर्शन में आंखें हैं, तो कॉकरोच के पास भी आंखें मिलती हैं। एंड मुद्दे की बात क्या है, वहां पे आंखें कैसी होती हैं बेटा? कंपाउंड आईज, आपको कंपाउंड आईज बताई थी मैंने जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था, कॉकरोच के पास कैसी होती है? कंपाउंड आईज। और कंपाउंड आईज का हिसाब किताब अगर मैं आपको बोलूं, तो कॉकरोच की आई अगर कंपाउंड आई है, तो इस तरीके से कॉकरोच की अगर मैं गोल सी आंख कहता हूं, तो कॉकरोच की इस आंख के अंदर अब आपको इस तरीके की हेक्सागोनल यूनिट्स मिलती हैं। इस तरीके से आपके पास मल्टीपल हेक्सागोनल यूनिट्स मिल जाएंगी कॉकरोच की आंखों के अंदर, ठीक है? इन हेक्सागोनल यूनिट्स से, बहुत सारी हेक्सागोनल यूनिट्स हैं, इनको हम कहते हैं ओमाटीडिया। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल को ओमाटीडिया, और इस पूरी चीज को हम कहते हैं कंपाउंड आई। बोलो, बात क्लियर हुई? पूरी चीज अपनी कंपाउंड आई है, ये अपने पास हेक्सागोनल यूनिट्स जिनको अपन ने टर्म दे दिया ओमाटीडिया। यहां से हाई रिजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो आप, आपकी आंखें सेंसिटिव हैं। अगर मैं बोलता हूं
और सीधे समझो, आपकी आंखें लाइट सेंसिटिव हो रखी हैं, तो मतलब तेज लाइट आपसे बर्दाश्त नहीं होगी ना। सेंसिटिविटी का मतलब समझे, यानी हल्का सा भी लाइट होगी अब उसको सेंस कर पाओ, पहली चीज। अगर आगे ज्यादा लाइट सेंसिटिव है तो यानी बिल्कुल कम लाइट भी होगी तब भी आप लाइट की प्रेजेंस एब्सेंस को ऑब्जर्व कर पाओगे। वैसी कॉकरोच की आंखों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बट लो रेजोल्यूशन। लो रेजोल्यूशन का मतलब इस कॉकरोच को सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, यानी उसको ब्लरी विजन होता है। कैसा होता है? ब्लरी विजन मतलब सब कुछ ब्लरी दिखाई दे रहा है लेकिन लाइट के प्रेजेंस एब्सेंस का बारे में पता लग रहा है। जैसे तुम में से जितने, जैसे मैंने भी, मेरे को भी चश्मा लगा हुआ है, आप में से बेटा जिसको भी ये स्पेक्स लगा हुआ है ना, आप मेरी बात समझ सकते हैं। ब्लरी विजन के लिए आप समझ लो कि आपने चश्मा उतार दिया तो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लरी दिखाई देगा, लेकिन आप लाइट के एब्सेंस और प्रेजेंस के बारे में तो बता सकते हो। कुछ ऐसी कॉकरोच के साथ होते हैं, ठीक है। कंपाउंड आइज के बारे में समझ आ गया, ये वाली बात क्लियर होगी। एक और चीज देखना, कॉकरोच के पास कंपाउंड आई तो होती है, इसके साथ साथ बेटा सिंपल आई भी होती है। अगर कॉकरोच के डायग्राम एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपको दो चीजें दिखा रखी हैं। एक तरफ इधर बोल रखा है कंपाउंड आई और इधर बोल रखा है ऑसिलस, दिस इज सिंपल आई। तो कॉकरोच के पास कंपाउंड एज वेल एज सिंपल आई, दोनों टाइप की आईज मिलती है। तो आपने माउथ पार्ट्स भी कर लिए, दिख रहा है ना, ऐसे लोअर हिस्से में लग रहे हैं मैंडिबल, ये मैंडिबल के ऐसे लग रहा है, सब मैंडिबल के नीचे लटके हुए हैं, ये माउथ पार्ट्स हो गए। ओके, आई कंपाउंड सिंपल, और यहाँ पे एंटीना दिखाई दे रहे हैं। क्या एंटीना आपको धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं कि धागा धागा से ऐसा लग दिए, और ऐसा लग रहा है ना कि एंटीना यहाँ पे धंसा हुआ है सॉकेट में, समझ लो। मैं जिन पॉइंट्स पे फोकस करवा रहा हूँ उन पे बहुत ध्यान से देखते रहना। ऐसा लग रहा है कि एंटीना यहाँ धंसा हुआ है और एक धागे जैसा एक्सटेंशन, पतले पतले धागे निकले हुए हैं। देखा ही होगा तुमने अर्थ कॉकरोच को इस तरीके से अपने एंटीना घुमाता रहता है। तो यहाँ पे अर्थवर्म की, क्यों अर्थवर्म बोल रहा हूँ, कॉकरोच समझ लो, मान जाना। फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, सॉरी फिलीफॉर्म एंटीना बोलते हैं। फिलीफॉर्म समझते हो, धागे जैसा, अर्थफॉर्म कि ये धागे जैसे होते हैं एंटीना। आइडिया लग गया बेटा, यहाँ पे देखो एंटीना फिलीफॉर्म, TVS याद करने का तरीका है, थिग्मोरिसेप्टर, टच को, वाइब्रेशन को और स्मेल को, तीनों चीज को सेंस करने का काम करते हैं। एंटीना का सेंसरी फंक्शन होता है, आई बिलीव ये तो बात आपको मालूम है ही, इसके एंटीना का सेंसरी फंक्शन होता है, और थिग्मो टच, वाइब्रेशन एंड स्मेल, तीनों चीज को ये सेंस करता है, ठीक। सिंपल आई होती है, ये बात तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। हमारा डंडनाडन हुआ पूरा का पूरा हेड। दूसरी चीज, अब थोरैक्स। थोरैक्स यानी बॉडी के बीच वाला हिस्सा, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, आप अर्थवर्म में ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप ये देखिए, इतना इस डब्बे में जो रीजन मिल रहा है, इनफैक्ट अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो तुम्हें ये जो रीजन जिसको मैंने ब्लू से डब्बे में डाला, ये पूरा का पूरा रीजन इज थोरैक्स। क्या रीजन है ये? पूरा का पूरा थोरैक्स, क्लियर। थोरैक्स में तीन हिस्से हैं, मतलब जैसे समझते हो अपने थोरैक्स को भी तीन अगले हिस्सों में बांट दिए, एक आगे वाला, एक बीच वाला, एक पीछे वाला। जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाला हिस्सा इज मीजोथोरैक्स, और पीछे वाला हिस्सा इज मेटाथोरैक्स। ये थोरैक्स के तीन रीजन बांट दिए गए। प्रोथोरैक्स में फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स मिलती है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, अर्थवर्म के, अर्थवर्म में इस कॉकरोच के पास तीन पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। तो पहले वाले में फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, मीजोथोरैक्स में सेकेंड पेयर ऑफ लेग्स प्लस पहला आपके पास विंग्स, जिनको हम लेदरी विंग्स कहते हैं। तीसरा मेटाथोरैक्स, जिसमें थर्ड पेयर ऑफ लेग होती है, सॉरी मेटाथोरैक्स में थर्ड पेयर ऑफ लेग होती है, मेम्ब्रेनस विंग्स होती हैं जिस जो उड़ने में मदद करते हैं। पॉइंट इज, बात नहीं समझ आई। क्या नहीं समझ आई? पहली बात, प्रोथोरैक्स में पहला पेयर लेग, मीजोथोरैक्स में दूसरा पेयर लेग एंड मेटाथोरैक्स में तीसरा पेयर लेग, इतना तो समझ आता है। थोरैक्स के तीन हिस्सों में से हमने टांगे निकलते हुए देखे, बात खत्म। अब प्रोथोरैक्स से क्या कोई पंख निकल रहा है? नहीं। जो मीजोथोरैक्स वाला रीजन होता है बेटा, यहाँ से पंख निकलता है, और जो मेटाथोरैक्स होता है यहाँ से भी पंख निकलता है। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा इस कॉकरोच को, आप कॉकरोच के पंख देखते हो तो एक डार्क ब्राउन सा दिख रहा है और आपको एक लाइट ब्राउन सा दिख रहा है। एक्चुअली ये ना ट्रांसलूसेंट सा होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब रियल टाइम में कॉकरोच को भी उड़ते हुए देखना, तो ये देखोगे ये वाला पंख ट्रांसलूसेंट सा होता है, और ये वाला पंख एग्जैक्टली कॉकरोच के बॉडी कलर का होता है, ब्राउनिश या लेदरी सा कलर। डील क्या,
हम जब कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में जो ये वाले पंख है ना, हाइंड विंग्स, जिनको हम लोग मेम्ब्रेनस विंग्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस विंग्स. ये विंग्स उड़ने में मदद करते हैं और ये वाले विंग्स सिर्फ मेम्ब्रेनस विंग्स के ऊपर पड़े हैं प्रोटेक्शन के लिए. यानी अगर मैं आपसे कहूँ जो ये आगे लेदरी विंग्स है जिनको टेगमीना कहते हैं, इनका काम बेसिक प्रोटेक्शन का है, कोई खास काम उड़ने में मदद नहीं करते. उड़ने में तो मदद भैया मेम्ब्रेनस विंग्स करते हैं, पीछे वाले जो मेटाथोरैक्स में मिलते हैं. बोलो, बात क्लियर हुई? सिंपल था, डन. यहां तक हमारा हिसाब किताब डन. हेड खत्म, थोरैक्स खत्म. अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आएगा, वो है एब्डोमेन. क्या होता है एब्डोमेन में? देखिए बेटा, यहां से नीचे मिलने वाला सारा का सारा एरिया क्या है? एब्डोमेन. और जरा फोकस करेंगे आप, क्या एब्डोमेन को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे आपको क्या एब्डोमेन में हिस्से दिखाई दे रहे हैं? यस. कॉकरोच की बॉडी में जो सबसे नीचे वाला तीसरा पार्ट होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं. एब्डोमेन अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है. जो एब्डोमेन है वो अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ठीक है. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सोचिएगा. फंजाई जो होती है, फंजाई जिसको फंगस कहते हैं, उसकी सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ है? किस चीज़ का बना हुआ है? तो आंसर आएगा काइटिन. और फिर क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भैया हमारा इंसेक्टा होता है उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? इंसेक्टा में एक्सोस्केलेटन किस चीज़ का बना है? वहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? काइटिन. काइटिन तो समझते हैं, ठीक है. तो भाई ये कॉकरोच था जिसके हेड में, एब्डोमेन में और थोरैक्स, तीन हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीनों जगह काइटिन मिलेगा. क्लियर? ओके. यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले मैंने ये पढ़ाया था कि बेटा एब्डोमेन है अलग अलग सेगमेंट्स का बना हुआ है. सेगमेंट मतलब समझ लो जैसे ना एक ट्रेन में बोगी होती है ना, ट्रेन में जो कंपार्टमेंट होता है, वैसे कंपार्टमेंट मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक होता है. हिंदी में बोगी कहते हैं, इंग्लिश में कोई याद नहीं आ रहा यार. ट्रेन में इस तरीके से बने होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं यार, समझ जाओ तुम लोग. ये लो फोटो बना देते हैं, ऐसे नहीं जुड़े होते ये ट्रेन में. आगे यहाँ पे अपने पास इस तरीके से इंजन होती है, ये धुआं निकल रहा है, टायर लगा दो, ठीक है. अब मन को शांति पड़ गई ना. ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ. वैसे ये सेगमेंट्स भी हमारे पास कॉकरोच में मिलते हैं. जैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, आपस में तो ये डंडी से जुड़े हुए हैं. कॉकरोच में ये आपस में एकदम ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, दूर से देखो तो खास पता नहीं लगेगा. लेकिन इनको मैं अलग अलग करूँ तो यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है. क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है बीच में. आप समझ लो इस तरीके से, ये दोनों हाथ है ना, इस तरीके से मेम्ब्रेन से जुड़े हुए. मुद्दे की बात क्या है? पॉइंट इज, जो मैं अपना पॉइंट एस्टैब्लिश करके आपको समझा देना चाह रहा हूँ वो क्या है. कॉकरोच में 10 फ्यूज्ड सेगमेंट्स होते हैं. टोटल कितना? 10, पहली चीज. और सेगमेंट है, और सेगमेंट के ऊपर कवरिंग किस चीज़ की बनाई है? काइटिन की प्लेट्स की, ठीक है. The 10 fused segments are covered with chitinous plates and these segments have been given the name sclerite. जैसे हम ट्रेन के अंदर हम कहते हैं ना कि S1, S2, S3 इस तरीके से इसको नाम देते हैं, राइट? इस तरीके से इसको नाम देते हैं. तो अब कॉकरोच के अंदर भी आपने इन सब को एक कॉमन नाम दे दिया है. जैसे हम इसको बोगी एक नाम दे देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम तो स्क्लेराइट्स नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? स्क्लेराइट्स. क्लियर है बेटा? अब आप इस ट्रेन को ऑब्जर्व करो बेटा, ध्यान से करना. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ. जब मैं इस ट्रेन को ऑब्जर्व करूंगा तो बेटा ये ट्रेन के कंपार्टमेंट्स जो हैं, इनको कंपार्टमेंट्स मान के रखो, ये ऊपर की तरफ से भी काइटिन से ढके हुए हैं और नीचे की तरफ से भी काइटिन से ढके हुए हैं, इजंट इट? बट मैंने ना दोनों में कलर चेंज कर दिए, क्योंकि ऊपर आपके पास अलग और नीचे अलग. मैं जानबूझ के अलग दिखा रहा हूँ ये समझाने के लिए कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है. समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? पक्का क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से जब हम एक कॉकरोच को देखते हैं तो एक नीचे वाला हिस्सा जो जमीन को फेस कर रहा है, वेंट्रल हिस्सा, और एक ऊपर वाला डॉर्सल हिस्सा. इस पूरे कंपार्टमेंट को एक कंपार्टमेंट या बोगी हमने नाम दे दिया और इसके लिए कॉमन नेम स्क्लेराइट्स यूज किया. क्या यूज किया? स्क्लेराइट्स. अब स्क्लेराइट का निचले वाला ही जो हिस्सा होगा, उस नीचे वाले हिस्से में हम स्क्लेराइट का नाम देंगे स्टर्नाइट. क्या नाम देंगे? स्टर्नाइट. और ऊपर क्या नाम देंगे? टर्गाइट. ये बात क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करो. कॉकरोच की बॉडी बेटा इस तरीके की. कॉकरोच के अंदर के सारे ऑर्गन समझ लो इस रेड वाले रीजन में आ जाते हैं. फिर क्या होता है, कॉकरोच की बॉडी पे इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको ऐसे, ये मैं एब्डोमेन की फोटो बना रहा हूं, आपको इस तरीके से आपको ये मिलेगा काइटिनस प्लेट्स, और आपको नीचे की तरफ भी तो मिलेगा भाई. समझ पा रहे हो?
तो जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मिले, तो मैं नीचे को उसको कह देता हूँ वेंट्रल, इसको कह देता हूँ डॉर्सल, और इन कंबाइंड को अगर सबके लिए, इन सबके लिए और इन सबके लिए जो नीचे ब्लू और ग्रीन में दे रखे हैं, इन सबके लिए अगर कॉमन नेम कोई यूज़ करना है तो कॉमन नेम स्क्लेराइट यूज करूंगा, बट अगर वेंट्रल के लिए नाम यूज करना चाहूंगा तो मैं कहूँगा स्टर्नाइट, और अगर डॉर्सल वाले को स्पेसिफिकली नाम देना चाहूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि डॉर्सल स्क्लेराइट्स है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा भैया टर्गाइट्स, टर्गाइट्स मतलब डॉर्सल, अगर वर्ड स्टर्नाइट बोल दिया तो वेंट्रल, सीधी सी बात क्लियर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का क्लियर है। मैंने इसको कैसे याद किया था, स्टर्नाइट में एन आता है, वेंट्रल में एन आता है, काम बन गया, ठीक है, ओके। अब ये जो है ना बेटा, ये सारे के सारे, ये समझ लो कि आपको जो ब्लू और इस तरीके से मैं दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में अलग अलग नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, और जिस मेम्ब्रेन ने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है ना बेटा, इस मेम्ब्रेन को हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, अ जॉइनिंग मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या फिर इसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इतना डन। मेल फीमेल की बात करी जाती है तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे कुछ डिफरेंस आना शुरू होता है। मेल्स और फीमेल्स में क्या है, कॉकरोच में मेल्स फीमेल्स को देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्गाइट जो डॉर्सल सरफेस में मिलते हैं दोनों में 10 है, टोटल नंबर ऑफ स्टर्नाइट 9 होते हैं, 10वां एब्सेंट होता है, यानी ऊपर वाले डॉर्सल वाले, यानी जो ऊपर जो कॉकरोच के ऊपर आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा उस एरिया में 10 और नीचे वाले एरिया में आपके पास 9, यानी ये जो ऊपर वाले टोटल होते हैं 10 और ये होते हैं टोटल 9, ये मेल फीमेल दोनों में कंबाइंड होता है। लेकिन फर्क क्या बेटा, टर्गाइट्स में देखें, मेल्स में जो टर्गाइट 7वां टर्गाइट है ना, ऊपर में अगर मेल कॉकरोच को देखो, ऊपर वाला 7वां टर्गाइट इस तरीके से उसकी शेप होती है कि वो 8वें वाले को ढक लेता है, ठीक है, और स्टर्नाइट अगर मैं मेल कॉकरोच को पलट के देखूंगा तो सारे के सारे गिनती से मेरे को 9 दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, बट फीमेल्स में देखूंगा ना तो जो 7वां वाला टर्गाइट है वो सिर्फ 8 नहीं बल्कि 9 को भी कवर करता है, ठीक है, और जब मैं फीमेल कॉकरोच को पलट के देखूंगा ना तो दिखेंगे मेरे को सिर्फ कितने 7, कैसे समझाता हूँ, आप यहाँ पे इस कॉकरोच की फोटो देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ना मैंने कॉकरोच को ढक दिया, मतलब उल्टा कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया। अब गिनती करना शुरू करो, एक स्टर्नाइट, दूसरा स्टर्नाइट, S3, S4, S का मतलब स्टर्नाइट, S5, S6, S7, अब आपको यहाँ पे S7 दिखाई दे रहा है ना, S7 के बाद कोई नीचे दिखाई दे रहा है, देखो आपको यहाँ पे टर्गाइट 10वां टर्गाइट दिखाई दे रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे S7 के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। साइंटिस्ट ने देखा कि क्या फीमेल्स में 7 स्टर्नाइट है, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, मैंने कॉकरोच जो इस तरीके से था, अगर मैं इस तरीके से इस कॉकरोच को बोलूं तो बेटा समझ लो ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच को मैंने पलट के यहां से देखना शुरू किया, पिछले वाले हिस्से से कॉकरोच ऐसे दिखता है आपको, ऐसे दिखता है कॉकरोच, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये कॉकरोच आपको दिख रहा है, ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, तो ऊपर वाले सरफेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहां पे अगर फीमेल्स की बात करो तो 7, तो ऊपर कितने हैं, टोटल 10 हैं, जिसमें 7वें वाले ने 8 और 9 को कवर किया हुआ है, लेकिन जब मैं पलट के देखूंगा असलियत में यहां से यहां कितने होने चाहिए, यहां से यहां टोटल 9 होने चाहिए, क्योंकि स्टर्नाइट का नंबर 9 होता है, लेकिन अभी जो यहां पे स्क्रीन पे फोटो देखोगे ना, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको S7 तक दिखाई दे रहा है, हमें 8 और 9 क्यों नहीं दिखाई देते, S8 और S9 क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये बेटा फोटो है, यहां पे फोटो से हमें पता लगता है कि जो ये स्टर्नाइट है ना, इसने एक बोट जैसी शेप ले लिया, एक आगे से खींची हुई, ऐसा कि एक्सटेंड सा हो गया, यानी असलियत में क्या थे, S7 यहां आ रहा था, फिर S8 आना चाहिए था, S9 आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था ना अरेंजमेंट, लेकिन दिक्कत मालूम क्या हो गई कि S8 और S9 तो ऐसे पड़े रहे, लेकिन S7 की ना साइज बढ़ गया, तो S7 का अगर साइज बढ़ गया तो मैं क्या करता हूं, S7 का साइज इस तरीके से बढ़ा देता हूं, अब बोलो तुम इस रेड के नीचे S8 और S9 दिखाई देंगे, आपको रेड के नीचे S8 और S9 दिखाई देने बंद हो जाएंगे, आपको सिर्फ S7 दिखाई देगा, यही तो गेम हो रहा है, कि जैसे बोट इस तरीके से आगे से होती है ना, बोट को अगर आप एक कोने से बनाओ तो बोट इस तरीके से जाती है ना, इस तरीके से खींच गया ये वाला पोर्शन, तो एक पोर्शन ऐसा सा खींच गया, आप देख रहे हो ऐसा सा खींच गया एक पोर्शन, और इसकी वजह से विजिबिलिटी ऑफ S8 एंड S9 इज डन, खत्म, दिखती नहीं, तो हम कहते हैं ओनली 7 इज विजिबल, 7 इज विजिबल बिकॉज 7th इज एक्सटेंडेड इन अ बोट शेप एंड कवर्स 8th एंड 9th, क्या अब आपको मेरी बात क्लियर आ रही, हम ये लोअर सरफेस की बात कर रहे थे, तो अगर मैं इस वाले डायग्राम में तुम्हें समझाना चाहूं ये वाली बात, तो आप यहां पे बड़े ध्यान से देखना बेटा,
हम गिनती के साथ करना शुरू करते हैं। समझ लो S1, S2, S3, S4, S5, S6, थोड़ा सा इसको लंबा कर दो ताकि बनाना आसान हो जाए। S6, S7 जो है इस तरीके से खींचा हुआ होता है, S7 ये खींचा होता है, ठीक है। S8, S9, तो मुझे मैं कॉकरोच को पलट के देखूंगा कि S7 ने इन दोनों को ढक दिया कि नहीं ढका। समझ आ गई आपको बात? अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, पक्का क्लियर है। अब ऊपर टर्गाइटर से बना, अब तुम देखो S7, S8, S7, 8 और 9, इनके बीच में तुम्हें ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहां पे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। ये इस खाली स्पेस में कुछ है, क्या है इस खाली स्पेस में, ध्यान से देखना। ये कहते हैं कि इस खाली स्पेस में मेल जेनाइटल पाउच, या फिर इसको मेक्स नहीं, मेल नहीं, इट मेक्स अ जेनाइटल पाउच, यानी ये खाली एरिया, बेटा इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना दूं, ध्यान से पढ़ते रहना। दिस खाली स्पेस मेक्स अ जेनाइटल पाउच, और इस जेनाइटल पाउच के दो हिस्से, एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा, समझो इस बात को। हम इस एरिया में, ये खाली स्पेस जो बन गया ना इन दोनों के बीच में आने की वजह से, यहां पे एक जेनाइटल पाउच हम कहते हैं, ये इसने एक पाउच, एक ना पैकेट ज्यादा है, खोखला एरिया बना दिया, जेनाइटल पाउच कह दिया। और इसके दो हिस्से हैं, एक एंटीरियर हिस्सा अगला और एक पोस्टीरियर हिस्सा पिछला। एंटीरियर हिस्से को हम जेनाइटल चेंबर कहते हैं और पोस्टीरियर हिस्से को वेस्टिब्यूलम कहते हैं। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? समझो कि आप कॉकरोच के अगर लोअर सरफेस में देख रहे हो तो आपको यहां पे इस जो मैं बना रहा हूं ना, यहां पे जो हमें, मैंने इस तरीके से मैं चला रहा हूं ये पेन, देखो यहां पे इस तरीके से जिसको मैं ग्रे कलर से बन रहा है आपके स्क्रीन पे, ये वाला एरिया, यहां पे समझ लो S7, 8 और 9 के बीच में खाली स्पेस आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है। दिस स्पेस इज द जेनाइटल पाउच। इस जेनाइटल पाउच के दो हिस्से हैं, एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा, एक एंटीरियर एरिया, एक पोस्टीरियर एरिया। एंटीरियर एरिया जो है वो जेनाइटल चेंबर बनाता है, पोस्टीरियर वाला एरिया वेस्टिब्यूलम बनाता है। क्या अब आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? अच्छे से क्लियर हो रही है, पक्का? तो मैंने कहा कि एक एंटीरियर एरिया है और एक पोस्टीरियर एरिया है, आगे पीछे पड़े एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया जेनाइटल पाउच, जेनाइटल चेंबर बना रहा है, तो जेनाइटल जो चेंबर होगा उसमें ये सब चीजें, जेनाइटल पोर, स्पर्माथिकल पोर, कोलैटेरियल ग्लैंड्स आपको यहां मिलेंगी, और इसके पीछे वेस्टिब्यूलम चेंबर यहां में मिलेगा। तुम बोलोगे सर ये सब चीजें क्या है? बेटा ये सब चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप कॉकरोच की रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। तो जब आप अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना अपने आप से, तो एनसीईआरटी में ये सब चीजें लिखी होंगी, आप इनको इग्नोर कर देना, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि एनसीईआरटी तब तक मत पढ़ना जब तक मैंने पूरा कॉकरोच ना पढ़ा दिया। आप एनसीईआरटी तब जाके पढ़ना जब मैं पूरा कॉकरोच पढ़ा दूंगा। इतना स्ट्रेस बाहर डाल रहा हूं बेटा, आज की क्लास के ऑलमोस्ट क्लास फिनिश ऑफ होने पे आई है और हमने मॉर्फोलॉजी को भी कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया ना तो बाकी कॉकरोच में कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि ये वाले पोर्शन समझने में बच्चों को कभी समझ ही नहीं आता, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से ये वाला पोर्शन तुम्हें समझाया। बोलो फील आ गई ना, स्वाद आ गया, मजा आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो एब्डोमिनल अपेंडिजेस क्या है। कॉकरोच में एब्डोमिन से निकलते हुए कुछ आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जैसे एनल सरकाई। अब इसके अलावा सिर्फ आपको यहाँ पे एनल सरकाई दिखाई दे रही है, राइट, एनल स्टाइल्स नहीं दिए। पॉइंट इस एब्डोमिन वाले एरिया से कुछ चीजें निकलती हुई आपको दिखाई दे सकती है। कैसे? हम जब कॉकरोच में देखते हैं तो एब्डोमेन से कुछ चीजें जैसे एनल सरकाई, एनल स्टाइल, जैसे गोनापोफाइसिस, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। क्या होती हैं, क्या क्या? एनल सरकाई 10वें टर्गाइट से निकलती है, पेयर्ड होती है, मेल फीमेल दोनों में मिलती है, और सेंसरी स्ट्रक्चर का काम करती है टूवर्ड्स टच एंड साउंड। बात क्लियर? ओके, एनल स्टाइल्स, ध्यान रखना मेरी बात, सरकाई मेल फीमेल दोनों में मिली, लेकिन स्टाइल किस में मिला भैया? सिर्फ और सिर्फ मेल्स में। और यहां से आप सब याद करोगे, स्टाइल लड़के लोग करते हैं, कॉकरोच में जो लड़के लोग होते हैं वो स्टाइल मारते हैं, वो मतलब श्रृंगार करते हैं, है ना। कॉकरोच के जो लड़के होते हैं उनको तैयार थी, जैसे आदमी मतलब ह्यूमंस में लड़कियां अपना मेकअप वगैरह करती है ना, वहां पे स्टाइल मारती हैं। वैसे कॉकरोच में जो एनल स्टाइल्स होते हैं ये हमने को मेल वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, मेल्स में मिलते हैं। कहां से निकलते हैं? 9th स्टर्नाइट। बेटा क्वेश्चन, दो चीजें फोकस करो, एनल सरकाई 10th टर्गाइट से निकल रहा है, ये 9th स्टर्नाइट से निकल रहा है, यहाँ सिर्फ मेल है और यहाँ सिर्फ फीमेल है,
मेल फीमेल दोनों, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है, तो कोई टेंशन नहीं, दोनों सेंसरी स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सी चीज कहाँ से निकल रही है और किस में है, इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ह्यूमंस में जेनिटल ऑर्गन्स मिलते हैं ना, पीनिस वगैरह ये सब जेनिटल ऑर्गन्स ह्यूमंस में मिलते हैं, वैसे ही कॉकरोच में भी ये जेनिटल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। किस चीज के बने होते हैं, स्क्लेराइट्स होते हैं, यानी काइटिन के बने होते हैं, जो प्लेट्स होती है ना, आपने देखा ना एब्डोमेन के ऊपर प्लेट्स होती हैं, उन्हीं की मॉडिफिकेशंस होती हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल जेनिटीलिया, 9th स्टर्नाइट से निकलते हैं और मेल्स में कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पीनिस हेल्प्स इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल्स, उस तरीके से यहाँ पर भी गोनापोफाइसिस। याद रखना, गोनापोफाइसिस इज अ कॉमन वर्ड फॉर एक्सटर्नल जेनिटीलिया, ये ह्यूमन कॉकरोच के रिप्रोडक्शन में और क्लियर हो जाएगा। फीमेल्स में ओवी पोजिशन में मदद करते हैं। क्या होता है ओवी पोजिशन, सिंपल समझो, गोनापोफाइसिस क्या है, एक्सटर्नल जेनिटीलिया, तो रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शंस में मदद करेंगे, इजंट इट। तो गोनापोफाइसिस रिप्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शंस में मदद करते हैं, तो जो फीमेल गोनापोफाइसिस होते हैं वो बेटा किस चीज में मदद करते हैं, ओवी पोजिशन, यानी अंडा ले करने में। अगर अंडा आपको कहीं पर, किसी कॉकरोच फीमेल को कहीं पर अंडा डालना है, कहीं अंडा ले करना है, अंडा देना है जिसको हम कहते हैं, वो ओवी पोजिशन इस चीज में मदद करते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? तो अभी आज की क्लास में हम कॉकरोच का इंट्रोडक्शन और बेटा उसकी मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल कंप्लीट द कंप्लीट फुल एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच रिप्रोडक्शन, एंड ये चैप्टर फिर छोटा सा रह जाएगा, कुछ एनसीईआरटी के रेलेवेंट पोर्शंस हैं जिनकी रीडिंग करवाना जरूरी है, वो रीडिंग कराऊंगा और कॉकरोच को वंस एंड फॉर ऑल कर देंगे फिनिश। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।